हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस साइड साक्षी धंजल. और आज के व्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है कवर, क्योंकि जैसलमेर में आप क्या क्या एक दिन में ट्रैवल कर सकते हो, लोकल कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, एक वीकेंड प्लान बना रहे हो तो क्या क्या कर सकते हो. लेट्स गो. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस साइड साक्षी धंजल, होप यू आर डूइंग ग्रेट. सो आज का दिन मैं स्टार्ट करती हूँ, जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ. आप लोगों को पता है मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ? कमेंट करके बताओ. नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता. मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं. जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ, ये मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है. ओ माय गॉड, दिस इज अ लोकल बेस्ड प्लान, द पोहा एंड द कचौड़ी, एंड कचौड़ी के साथ चटनी. दिस इज ऑल द लोकल ब्रेकफास्ट. एंड ये जो होती है, दिस इज ऑल घोड़े की, जैसे घोड़े कह रही सॉरी, कैमल के ऊपर बैठते हैं तो उसकी मतलब पूरी ये पीतल से बनी हुई है. अगर आप कैमल के ऊपर बैठोगे ना, देखना उनके ऊपर लगी होती है. ये यहाँ की पुश्तैनी है. एंड ये चरखा है, ये भी पुश्तैनी है, ये भी पुश्तैनी है. एंड दिस इज ऑल्सो ऑल द थिंग्स. यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो पूरी मेंटेन करी है, वो दादा और परदादा के टाइम से पूरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी मेंटेन करी है. सो ये पड़ता है शहर से अराउंड 1 किलोमीटर की दूरी पे. अभी भी नाम याद नहीं आया आप लोगों को? ओके, मैं ये बता देती हूँ. दिस इज राठौर हेरिटेज. मतलब मुझे यहाँ के ना मतलब स्क्रिप्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक पत्थरों पे जो कलाकारी होती है. एंड दिस इज द गोल्डन पत्थर जो सबसे महंगा आता है. फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करती हूँ और आज मैं आपको यहाँ का प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ. और मैं पक्का कोशिश करूँगी कि मैं आज महल जाऊँ वापस, एंड आई शो यू द मार्केट एंड द लोकल एरियाज. ऑब्वियसली कहीं बाहर चलेंगे. एंड देयर इज वन लेक आल्सो, एक लेक एक महल है. विल सी व्हाट आई विल कवर इन द वीडियो, आई विल टेल यू. पहले हम नाश्ते से स्टार्ट करते हैं. सो मैं आज कचौड़ी यहाँ की लोकल ट्राई करूँगी. एंड ये चटनियाँ हैं, मैंने ऑलरेडी चटनी डाल ली है, मैंने एक बाइट खा ली है, बट इट्स याम. मैं तोड़ भी चुकी हूँ. आई एम गोना स्टार्ट विद कचौड़ी टुडे. कचौड़ी में सिर्फ यही डालते हैं, दो चटनियाँ और प्याज, और ये भी डालते हैं दही भी. दही भी डालता है कचौड़ी में? हाँ, ये कचौड़ी दही भी होती है. तीन होती है, एक कचौड़ी, ये पुदीना की चटनी होती है, ये इमली की चटनी होती है, ये इमली की चटनी, ये पुदीना की चटनी जी, और दही और दही. ठीक है, ये मारवाड़ डिलीशियस है. ये मारवाड़ स्पेशल कचौड़ी है, प्याज की कचौड़ी बोलते हैं. अच्छा, फाइन. ये साई पोहे. हाँ, ये साई पोहे, आई नो. ये इमली की चटनी, इमली की चटनी एंड इमली की चटनी एंड पुदीने की चटनी एंड हमारे दही. तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट. सो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ना, तो इसका एक रूम का प्राइस मैं आपको बता चुकी हूँ. INR मतलब इंडियन करेंसी के अंदर आपको इनका रूम पड़ेगा 1800 से लेके 1000, और सीज़न पर डिपेंड करता है कि सीज़न पर रेट महंगे हो जाते हैं. येस, दिस इज़ द वन ऑफ द प्रीटीएस्ट रूम, आई लाइक इट सो मच. ये ग्राउंड फ्लोर का रूम है. अगर आप मैं बाहर जाऊँगी तो ये लुक है. And with almari, with the washroom, we just look at the ceiling, it's colorful, right? This is the washroom. Isn't it nice? सो मैं आई हूँ पानी पूरी खाने, और मैं हूँ चौक पे एग्जैक्टली. और ऑब्वियसली मैं मार्केट आ चुकी हूँ. आज मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ सारा लोकल. पानी पूरी खाने देखते हैं यहाँ की पानी पूरी कैसी है. आपके पानी पूरी स्टॉल का नाम क्या है? रवि पानी पूरी. अच्छा, मुझे पूरा इधर जाना पड़ेगा रोड पे. सो रवि पानी पूरी पे खड़ी हूँ मैं. बस उसके नीचे करो, खाली होगा. जलजीरा खत्म है.
ऐसा फील हो रहा है। कुछ कुछ निकल रहा है भैया। दिस इज सोफन, अगर आप मतलब बटर इसके नीचे रख रहे हो देन पानी आएगा अपने आप, बट इनके पास फ्लेवर्स हैं सो तुम यहीं से खा सकते हो आराम से। सो गाइस मैं आ गई हूँ बड़ा बाग टेम्पल की तरफ, आज की मेरी पहली जगह अपने जहाँ मैं रुकी हूँ उससे उसके बाद दिस इज द फर्स्ट प्लेस मैं विजिट कर रही हूँ। एटलीस्ट मैं मुझे ये बोलना चाहिए मैं एक सेकेंड प्लेस, क्योंकि मैं गोलगप्पे भी खा रही थी आज पानी पूरी। सो ये मेरे स्टे से पड़ती है अराउंड 15 मिनट्स के डिस्टेंस के अंदर अंदर। मेरा स्टे है दी हेरिटेज, दी राठौर हेरिटेज के साथ, एंड ये जगह बहुत ही पुरानी है, आप लोग देख ही सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत भी नजर आ रहा होगा। तो ये जगह बहुत ही एंशियंट है। आपका नाम क्या है भले? अभी आर्यन हमारे को यहाँ पर हिस्ट्री बता रहे हैं गाइस। सो हम जो घर खड़े हैं, मैंने भैया से पूछा कहाँ बड़ा बाग, वो तो सबको पता चल चुका है। हाँ तो आर्यन, सो बेसिकली एक्चुअली इस जगह का नाम है बड़ा बाग। तो okay. आपको पता है कि जैसलमेर एक बहुत बड़ा ड्राई एरिया है, डेजर्ट एरिया है, जहाँ पे गार्डन होना एक बहुत बड़ी कसम वो बात है, क्योंकि अभी बहुत ही कम बारिश है। लगभग ये 15 सेंचुरी की बात है, उस वक्त जैसलमेर के राजा थे जीत सिंह जी, जिन्होंने एक छोटा सा गार्डन लगा दिया। उस वक्त उन्होंने 10-15 पेड़ पौधे जैसे आम के, खजूर के, जामुन के, कुछ औषधिक पेड़ भी लगाए। तो वो गार्डन स्लोली स्लोली फैलता फैलता 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा बाग फैल गया, इस जगह का नाम रख दिया बड़ा बाग। आज इस गार्डन के अंदर अभी इस वक्त 70 से 80 पेड़ आम के, तो मतलब एक सोचने वाली बात है, एक बहुत बड़े चैलेंज की बात है कि जैसलमेर में आम का गार्डन किसी भी मेंबर की डेथ होने पर उनकी बॉडी को यहाँ पे लाके जलाया जाता है, और जहाँ पे बॉडी जलाते बाद में उसी जगह के ऊपर मोनुमेंट्स बना देते हैं यादगार की मेमोरी के लिए। बट इस मोनुमेंट्स को यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में छतरी कहते हैं, छतरी मीन्स अम्ब्रेला। तो रॉयल फैमिली का कस्टम ये है कि मोनुमेंट्स उसका बेटा नहीं उनका पोता बनवाता है, तो इस वजह से मोनुमेंट्स आप इधर देख सकते हो, इनकी डेथ होने के बाद इनके बेटों ने जगह को कवर कर दिया, जब इनके पोते शादी गए इनके भी छतरियाँ बनेंगे, पोते बनाएंगे। तो अभी जो लास्ट राजा ने उन्होंने अपने दादा के ये मोनुमेंट्स बनवाए जो बीच वाले दिख रहे हैं ना, अब इस मोनुमेंट्स के बीच वाले दो छोटी छतरियाँ, इसका मीनिंग इस राजा की दो रानी थी, इसके पीछे आप देखो तीन है, इनकी तीन रानियाँ थी, ये दोनों कंप्लीट मोनुमेंट्स नहीं है। कंप्लीट का मतलब आप इस तरह देखो, ये टॉप में जो पतला सा कलश लगा हुआ है, जो सबसे टॉप में लगा हुआ है, पतला सा कलश लगा सबसे टॉप में लगा हुआ है, और एक नीचे व्हाइट मार्बल की ऐसी मूर्ति लगती है जो इसमें आप दिखाओगे। एग्जैक्टली जहाँ नीचे लगाने के बाद ही मोनुमेंट्स कंप्लीट होता है, लगाने के लिए ऐसे कई कस्टम थे जो पुराने टाइम में रॉयल फैमिली फॉलो करती, बट आजकल ये फॉलो नहीं हो रही, इस वजह से आप इन दोनों के ऊपर देखो ना एक कलश लगे हुए, ना इसको मूर्तियाँ, मटकरे से कहीं की काली फोटो लगी हुई, अभी मटकरे के सभी टेम्पल है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो नेम प्लेट लगी, उसमें लिखा महारावल जवाहर सिंह जी, जैसलमेर में लिखता महारावल, जोधपुर में महाराजा, उदयपुर में महाराणा, जयपुर में सवाई, हर जगह का एक अलग टाइटल है, जैसलमेर में लिखता महारावल। अभी नीचे टाइम लिखा होता है कोई 20 साल को, 25 साल को, 10 साल उनकी एज का रोलिंग टाइम लिखा होता है। अब ये जगह आपने कई पिक्चरों में देखी होगी, जगह शूटिंग की बहुत फेमस है, जैसे मुलाली, सरफोस, मेला, लबी, गुलामी, आवारापन, कच्चा के, ऐसी बहुत पिक्चरें बनी। अभी टूटी छतरी जो 2009 में जो अर्थ को क्या था ना, कच्छ भुज में जो गुजरात में कौन सी, अच्छा सामने वाली है ये, पूरा लाइटनिंग में से गिरा। अच्छा मैं आ गई ऊपर की तरफ इधर से, एग्जैक्टली मैं वहाँ थी, और यहाँ से ऊपर की तरफ, पता जितने लोग मतलब रानियाँ मरती है ना, मतलब या फिर सती होती हैं, क्योंकि जब हस्बैंड मर जाते थे ये रॉयल फैमिली के, तो रानियों को भी शहीद होना पड़ता था। पद्मावती की स्टोरी हम सबको पता है, 16,000 रानिया दासिया पूरा सारा का सारी जो औरतें थे वो कूद गई थी। सो ये पुराने पहले जितना बिल्डअप होती थी ना छतें, वो यहाँ पे होती थी, एंड अब जो नई है वो सारी नीचे, जहाँ से हम लोग आ रहे हैं नीचे से। इनकी 4 रानियाँ थी, ये राजा नॉर्मल मरे, क्योंकि जब घोड़े की दो टांगे दोनों ऊपर होती है तो राजा शहीद हुए होते हैं, और इनकी एक ही रानी थी पीछे, कम से कम 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 रानियाँ, हो सकता है बाकी दासियाँ हो, वो 2 रानियाँ हो सकता है, 8 ही रानियाँ, एंड मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा।
सो यहाँ ऑलमोस्ट सबकी नॉर्मल डेथ ही दिख रही है। मज़े की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, जितना यहाँ पर सिस्टम है ना, इनसे पैसे हम लोगों से ले जा रहे हैं। नीचे अगर फोनर आ रहा है तो कम से कम 500 नॉर्मल आ रहा है इंडियन, सो और बाकी अगर कोई ड्राइवर भी आ रहा है तब भी उसके पैसे। तो जितना ये शाही खानदान यहाँ मेंटेन हो रहा है ना, जो हम लाशों के ढेरों के ऊपर पैदल पैदल घूम रहे हैं एक शमशान घाट के ऊपर, ये सारे पैसे हम दे रहे हैं। एग्जैक्टली, और कौन दे रहा है बात बताओ? मतलब म्यूजियम की मेंटेनेंस के पैसे हम दे रहे हैं 50 रुपये, राणा रानी का हम अगर महल घूमना है 250 पर बंदे की टिकट हम दे रहे हैं, फिर अगर आपने शमशान घाट घूमना है तो हम उसके 100 रुपये दे रहे हैं। हम इंडिया में घूम रहे हैं शमशान घाट। ऑल राइट, शमशान घाट मतलब नाम पता है क्या, मतलब पेड़ यहाँ पे डैम बनाने से लाइक फर्क पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि कहा जाता है कि जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, आपको अगर इस एरिया में दिखेगी वो मेरी गाड़ी खड़ी है, इससे जो पीछे वाला एरिया और ये मेरे सामने वाला एरिया। मगर एक चीज़ बताओ यार, शमशान के ऊपर क्या यार, शमशान के लिए भी हमसे पैसे? सॉरी सॉरी डेड बॉडीज, आई एम सो सॉरी। इस राजा की 4 रानियां थी जो सती हुई, ये सारा सती प्रथा वाला है गाइस सिस्टम यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे गाइड मिले ना तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि बहुत सारे गाइड हो तो, या तो फिर यूट्यूब पे सुनकर आना, कोई फ़ायदा नहीं है। 250-100 रुपये लेके ना ये लोग अभी ऐसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने 500 की पत्ती दी है इनको, ठीक है। गाइड यहाँ पे इतने अच्छे हैं कि अगर जब तक आप उनको 250-500 की पत्ती ना दो, आई एम सेइंग बिजनेस होता है, आई एम सेइंग अच्छा होता है बिजनेस, मगर गाइड भी तो अच्छे से बताने वाला होना चाहिए। अभी पूरा ग्रुप आया है, ग्रुप का फ़ायदा है, ग्रुप देगा इनको 500 रुपये की पत्ती फ्लैश, तभी God, I'm so sorry, but सच बता रही हूँ ना, दो गाइड्स के साथ ऐसी एक्सपीरियंस रहा है बता के भाग जाने का, और ऐसे ऐसे बता के भाग जाने का पूछो मत, कि पूछो तो बता के भाग जाओ जब तक आप 250-500 की बत्ती ना दो। शक्ल देख के पैसा लेते हैं जैसे कि अरे ये तो हर जगह का काम है, क्या ना मैं ना ये लोग बोल रहे हो सारे के सारे ये हर जगह का काम है। माय गॉड, इतने सारे लोग आज गाइस, वो देखो देखो कैसे लाइन से जा रहे हो। मेरे को स्कूल टाइम में लाइन में चलने की आदत थी और आज तो बिल्कुल भी नहीं है यार। ग्लैड टू सी देम, ये माय गॉड, सी राजस्थान से आए। आप लोग राजस्थान से हो? अहमदाबाद से। ओके, ओ आई मीन गुजरात से। नाइस, हाँ जी हाँ जी, ब्लॉक कर रही हूँ। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ गजरूप सागर लेक, और मतलब आपको पता ही है राजस्थान में पहले पूरा ड्रॉट रहता था, बट यहाँ पर लोगों ने सेव कर करके वाटर, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग काइंड ऑफ वाटर को सेव कर करके रेनी सीजन में और बचा के लेक बनाई है, एंड दैट इज़ गजरूप सागर। पता है ये बेस्ट टाइम है गाइस आने का, 5:30। हाई मोशनी चमका रही मैं अपनी, सो 14th to 16th के बीच में यहाँ पे मेला लगता है, लाइक 14th, 15th, 16th का। ये रोमांटिक प्लेस कुछ ज़्यादा ही लग रही है मुझे, यू नो यहाँ पे कुछ है नीचे, यहाँ पे कोई गाइड नहीं है गाइस, नहीं तो मैं पकड़ के किसे पूछती है नीचे क्या है। बट ये बहुत मतलब लोगों ने तो हर जगह ना, यू नो ऐसी जगह वो इनके मजे हैं, पहले तो इनको देख लो। चलो ये खुश हो गए, लोगों ने हर जगह पे गंदगी फैला रखी है यार, कहीं भी जाएंगे कूड़ा कबाड़ा सारा का सारा यहीं फेल देंगे। आप उनमें से एक हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं उनमें से एक थी, अब नहीं हूँ, तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। सही है ना, ये जगह सुंदर है ना गाइस, बट लिलीज नहीं दिख रहे, वाटर लिलीज भी नहीं है, वाटर लिलीज आई मीन टू से ना, वाटर लोटस है, मंजार हो गया ये थोड़ा सा। चलो फिर तो बात करनी बनती है, मेरा नाम साक्षी, आपका नाम क्या है तीनों का, फटाफट बता दो। और आपका सोई। सो मुझे बताओ इस लेक की क्या स्पेशलिटी है, मतलब किस लिए फेमस है ये? कमल के फूल ज्यादा, कमल के। अच्छा, वाटर लिलीज नहीं होते यहाँ पे? वाटर लिली नहीं, वाटर लिली नहीं होते, सिर्फ कमल के होते हैं, बस यही स्पेशल है यहाँ पे। और मतलब इसमें मतलब गणेश चतुर्थी को, मतलब इसके अंदर गणेश जी को अच्छा कितने गणेश अराउंड कितने गणेश एक ही गणेश एक नहीं
बहुत सारे मतलब उधर से बाजार से सिटी से मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा, बहुत गणेश मतलब विसर्जन करने। ओके, तो और कोई स्पेशलिटी नहीं है? मंदिर किस चीज के लिए फेमस है? सांगे माता। सांगे माता, अच्छा सांगे माता कौन सी माता है, कुछ पता है? देवी है। अच्छा चलो, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत बताने के लिए गाइस। सो गाइस, गणपति विसर्जन होता है यहाँ पे और देखो कितना गंद मतलब मच गया है, लाइक कितना सारा, और यहाँ पे मछलियाँ भी इस पानी में। तो मैं फिर से फोर्ट आ चुकी हूँ एंड मैं जा रही हूँ एक नया कैफे एक्सप्लोर करने, एस आई प्रॉमिस्ड ऑन इंस्टाग्राम। अगर अपना इंस्टाग्राम भी देखते हो तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो से बोला था मैं फिर से जाऊँगी, आई एम बैक अगेन, बट मुझे इयरिंग्स देखने हैं। आई रियली वांट टू बाय सम इयरिंग्स फॉर माई सेल्फ। ये बना हुआ है पीतल और आई गेस इसमें कुछ और भी मिक्सड है, एंड अगर ये है ना ये व्यू के साथ है एंड मैं जा रही हूँ आज पहला हमारा वापस सिंगा फूड। अच्छा है यहाँ पे आपको सिंगर दिख जाएंगे। सो गाइस, ये स्प्रिंग रोल और ये व्यू के साथ फाइनली गरम। It's actually yum. So guys, आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। दे हैव ऑल इंडियन वेयर, मैं मार्केट घूम रही थी, दे हैव द गुड स्टफ फॉर द किड्स, पर सिर्फ लेडीज के लिए एक चीज याद रखना, नॉट फॉर जेंट्स, जेंट्स के पीछे मत आना स्टोर पे। हाँ, फिलहाल मैं चलती हूँ अपने वापस के पीछे। तो भैया क्या नाम बताया अपने अपने स्टोर का नाम? महा माँ वांकल। ओके थैंक यू भैया। तो सुरभि साड़ी मतलब फिर से बताना। सुरभि साड़ीज, मेरा नाम भवानी है। ओके, लिविंग इन द फोर्ट। अच्छा, तो फोर्ट में इनकी दुकान एंड द थिंग इज कि यू नो आई जस्ट सॉ दिस थिंग and you know it's look pretty yaar hai na, so they have this beautiful matlab proper rajasthani touch, mujhe ye chumbak ki yaad dila raha hai, ye chumbak ha, so inke paas proper rajasthani material hai dresses mein, so you can actually come agar aap fort ki taraf shopping ke liye aa rahe ho, enter karte hi friend of little tibet, okay। मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको जैसे कि पता है कि मैं एक सेक्सी की प्रॉपर्टी के साथ स्टे कर रही हूँ जिसका नाम है द राठौर हेरिटेज, एंड सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट व्लॉग। आई नो कमरा थोड़ा सा मेसी है, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही मेसी है, सो सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट व्लॉग। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम, बाय बाय।